नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार तथा आप देख रहे हो स्वामी दयानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का यूट्यूब चैनल। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे तो वो कैसे मतलब कि जो ये विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, उनसे अपनी प्रोटेक्शन करते थे। तो हमने जाना कि वो जो हमारी जो नेचर है उसमें जो वृक्ष होते हैं उसके पत्तों का काढ़ा पीते थे अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए, अपनी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो आज आप को यह मैं बताऊंगा कि कैसे यह पांच वृक्ष ऐसे हैं जिसके अगर पत्तों को खाया जाए, पत्तों का पाउडर खाया जाए या उसके पत्तों को उबाल कर उसका काढ़ा पिया जाए एज ए बॉयल्ड वाटर, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो पहला है तुलसी, बेसिल कहते हैं जिसे। क्यों है ऐसे? हमारे ऋषि मुनियों ने जो प्राचीन उन्होंने खोजा कि तुलसी एंटीबैक्टीरियल है, तुलसी एंटी फ्लू है, तुलसी एंटीबायोटिक है, तुलसी एंटी इंफ्लेमेटरी है, तुलसी एंटी फंगल है, तुलसी एंटी कैंसर है तथा बहुत सारी बीमारियां का इलाज सिर्फ तुलसी के पत्ते खाना, तुलसी के पत्तों को उबाल लीजिए उसको खाना, उसका पाउडर अगर मौसम नहीं है, तुलसी नहीं है बाजार से मिल जाएगा तुलसी का पाउडर वो खा सकते हो पानी के साथ, सबसे बेस्ट है इसको उबाल कर इसका पानी पी लीजिए तथा बाद में मैं बताऊंगा कैसे इन पत्तों को आप उबाल सकते हो, कैसे पी सकते हो, क्योंकि इसको आपकी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता बढ़ाने के लिए क्यों कहा गया है, डेली तुलसी के पत्तों का काढ़ा बॉयल्ड वाटर क्यों पीना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि इससे कोल्ड का इलाज होता है, इससे खांसी का इलाज होता है, इससे बहुत तरह के बुखार का इलाज होता है, इससे लंग्स डिसीज का इलाज होता है, हमारे लंग्स हैं इसको मजबूत बनाता है, स्किन डिसीज का इलाज होता है, कोई भी स्किन डिसीज हो उसका इलाज इससे होता है, स्ट्रेस नहीं होता, किडनी में स्टोन हो वो नहीं होता, टीथ पेन नहीं होता। ओके, कितने सारे इलाज हैं, सिर्फ तुलसी है, इतना सा पौधा हर घर में लगा होना चाहिए, 12 महीने होना चाहिए, 2 की जगह पे 100 पौधे होने चाहिए। ओके, इन्वायरमेंट शुद्ध हो जाता है। तो सेकंड है नीम, नीम का पौधा, तुलसी के बाद आ जाता है नीम। नीम भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है, इसका भी चाहे एक पत्ता है, दो पत्ता है, इसके 10 पत्ते इसको खाना चाहिए। मैं तो वैसे भी कहता हूँ नीम का दातुन लगाना चाहिए क्योंकि यह इम्यूनिटी बूस्टर है, वायरल इन्फेक्शन फाइटर है, किसी भी तरह का एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल है, ब्लड प्यूरिफाइड है, खून को साफ करता है, टॉक्सिन निकालता जाता है, क्लियर द टॉक्सिन। ठीक, कुछ भी खाया, बाहर का खाया, गंद खाया, उसका टॉक्सिन निकालना नीम का काम। तीसरा है गलोय, वृक्ष नोट करते जाओ, तुलसी नीम तीसरा है गलोय, ब्लड प्यूरिफाइड है, डायबिटीज को ट्रीट करता है इसके पत्ते, इसकी जो डंडी है वो उसको उबाल लीजिए अगर पत्ते नहीं है, इसका पाउडर को उबाल लीजिए, स्ट्रेस को कम करता है, लंग्स को स्ट्रोंग बनाता है, हमारे एंटी एजिंग है, आपको बुढ़ापा नहीं आता अगर आप डेली गलोए का इस्तेमाल करते हो, इससे अमृता कहा गया है, एंटी अर्थराइटिस है, कहीं भी घुटनों का, जोड़ों का, कहीं भी पेन हो आप एक चमचा ग्लोय ले लीजिए, आपको बुखार भी नहीं आएगा, बुखार से जो मसल्स में पेन होता है वो नहीं होगा। चौथा है पिपल, पिपल के पत्ते, हर तरफ पिपल मिलता है, उसका उसको उबाल लीजिए, चाहे एक है, 10 है, 5 है, चाहे एक मुट्ठी भर के, इतनी आपकी कैपेसिटी है। आपको जॉन्डिस हो गया है, पीलिया हो गया है, पिपल के पत्तों को उबाल के पीजिए। आपको दिल की समस्या है, पिपल के पत्तों को उबाल के पीजिए।
आपको डायबिटीज कंट्रोल करना है पिपल के पत्तों को उबाल के पीजिए, आपको फीवर कंट्रोल करना है पिपल के पत्तों को उबाल के पीजिए, आपको आपकी कब्ज है उसको निकालना है पिपल के पत्तों को उबाल के पीजिए, सब बीमारियों की, अगर पेट में गैस बनता है पिपल के पत्तों को उबाल के पीजिए, एसिडिटी आता है तेजाब बनता है पिपल के पत्तों को उबाल के पीजिए डेली, इनक्रीज पावर, इंजरी हो गई है कोई जख्म हो गया सूखता नहीं है पिपल के पत्तों को उबाल के पीजिए, इटैच हो जाता है खाज खुजली हो जाती है पिपल के पत्तों को उबाल के पीजिए, दांत में दर्द है पिपल के पत्तों को उबाल के पीजिए। नेक्स्ट है पांचवा जो वृक्ष है ट्री है अति उत्तम जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है वो है बेल, इससे भी बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है, लंग्स ये जितने भी आपके पांच दरख्तों के पत्ते हैं ये आपके लंग्स को स्ट्रोंग करते हैं, ये चीज मजबूत करते हैं आपके आपके अंदर जो लंग्स में होते हैं उसमें टॉक्सिन को जमने नहीं देते, लंग्स स्ट्रोंग करता है, अस्थमा तो होने नहीं देता बेल, कोल्ड ठीक करता है, लूज मोशन पिपल कब्ज को हटा देगा, और अगर आपको दस्त हो गया तो बेल खाइए उसके पत्ते खाइए, उसके पत्तों का बॉईल करके पीजिए, उसका फल बेल का वो खाइए, अगर आपको एंटीविरल है टॉक्सिन हो गया है फूड पॉइजन हो गया बेल के पत्तों को बाल के पी लीजिए, जॉन्डिस हो गया है डायबिटीज है कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है डायबिटीज की वजह से कोलेस्ट्रॉल हो गया वेट बढ़ गया है बेल के पत्तों को उबाल के पीजिए। अब पीना कैसे बहुत सिंपल सा है, आप एक दो तीन चार पत्ते पहले तो खा सकते हो, पानी पी लीजिए चबा लीजिए उसको, अच्छा नहीं लगता उसका पाउडर ले लीजिए सुखा लीजिए उसके पाउडर को आधा मतलब इतना सा आधा चम्मच तक आप ले सकते हो, ओके अगर बिल्कुल स्वस्थ हो तो एक दो पत्ते भी लिए जा सकते हैं या एक दो तीन चार पाँच दस पत्तों तक आप उसको उबाल लीजिए, अगर कुछ समस्या ज़्यादा है तो आप मुट्ठी भर के भी आप पत्तों की ले सकते हो, उबाल लीजिए पाँच मिनट चार मिनट तीन मिनट तक उबालिए, ज़्यादा नहीं उबालना तो पत्तों की सारी शक्ति उबले हुए पानी में आ जाएगी, उसको ठंडा कीजिए दो तीन मिनट जैसे चाय पीते हो ना, चाय कॉफी को बंद कर दीजिए उसकी जगह पर इसको पीजिए, तो आपकी हर तरह की समस्या दिन डेली डेली गैप होती जाएगी क्योंकि अंदर से शक्ति आपकी बढ़ती जाएगी, इन्फेक्शन रहेगा नहीं, तो यह है आप सुबह भी ले सकते हो दोपहर को ले सकते हो शाम को ले सकते हो, लेना खाली पेट है, तथा हमारे ऋषि मुनि इसी तरह अपनी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं आंवले के पत्ते हैं तथा बहुत सारे ऐसे पत्ते हैं जिसको अमरूद के पत्ते हैं, तो वो भी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं, इस नेचर को हमने यूज करना है तथा अपने आप को अंदर से मजबूत करना है, घबराना नहीं है, ओके आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती, ओके अगर यह वीडियो अच्छा लगा है लाइक तथा शेयर कीजिए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन घंटे को ऑन कर दो, अगला वीडियो कौन सा देखना है नीचे कमेंट लिख दो, अगर मेरे से पर्सनल ट्रीटमेंट लेना है एडवाइस लेनी है बात करनी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 9352 935623492 आगे +91 लगा दीजिए। आप सब ने इस वीडियो देखा आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, थैंक यू।